दिल्ली के मथुरा रोड स्कूल में बम की धमकी निकली, अफवाह, पुलिस ने की पुष्टि। स्कूल प्रशासन के मुताबिक ईमेल के जरिए आई थी धमकी। क्लासरूम से बाहर निकाले गए बच्चे स्कूल की तलाश, पुलिस ने पूरे स्कूल को घेरा, सख्त की गई सुरक्षा। खबर मिलते ही स्कूल पहुंचने लगे परिवार के लोग, बच्चों को ले गए अपने साथ। केजरीवाल के घर की मरम्मत पर खर्चे को लेकर सियासत तेज, बीजेपी का आरोप, 45 करोड़ रुपए किए गए खर्च। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे मैं कुछ नहीं लूंगा। आपकी तरफ से प्रियंका कक्कड़ का ट्वीट, ट्रंप की 3 घंटे के दौरे के लिए 80 करोड़, गुजरात और एमपी के मुख्यमंत्री लेते हैं 200 करोड़ के हवाई जहाज। प्रियंका कक्कड़ ने लिखा, 1942 में बने मकान की छत 3 बार गिरी, एलजी के 6 एकड़ में फैले मकान की रंगाई पुताई में होता है ज्यादा खर्च। पीडब्ल्यूडी की तरफ से बयान, ये मरम्मत नहीं, पुरानी इमारत की जगह नई इमारत का निर्माण था। दिल्ली में आज फिर से होगा मेयर पद के लिए चुनाव, इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय है उम्मीदवार। बीजेपी ने शिखा राय को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी बीजेपी में काटेगी टक्कर। कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार हो रहा है मेयर पद का चुनाव, एक एक साल में 5 कार्यकाल के लिए बारी बारी होता है मेयर चुनाव, आज भी हंगामे के आसार। दिल्ली में डिप्टी मेयर का चुनाव भी आज, आम आदमी पार्टी की ओर से मोहम्मद इकबाल और बीजेपी की ओर से सोनी पांडे है मैदान में। 22 फरवरी को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता शैली ओबेरॉय दिल्ली के महापौर चुने गए थे और उन्होंने बीजेपी की रेखा गुप्ता को 34 मतों के अंतर से हराया था। अतीक और अशरफ की पत्नियों की तलाश थी, प्रयागराज के हटवा में छापेमारी, पुलिस ने मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में जाकर छापेमारी की, प्रयागराज के आसपास छुपे होने की जानकारी मिली। 59 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार है, उमेश पाल हत्याकांड में वो आरोपी है। अतीक की बहन आयशा नूरी भी अब तक लापता, कई शहरों में छापेमारी जारी। शाइस्ता पर 1 लाख इनाम करने की तैयारियां हैं, फिलहाल 50,000 रुपए का है इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में नया खुलासा, जेल में बंद अतीक के बेटे उमर के शामिल होने की बात आई सामने। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के बाद असद आया था लखनऊ, जेल में बंद भाई से की थी मुलाकात। हत्या की साजिश में आरोपी बनाए गए वकील खान दौलत हनीफ को कोर्ट ने किया तलब, 27 अप्रैल को पेश। पुलिस ने कोर्ट में डाली है रिमांड की अर्जी, उमेश पाल अपहरण केस में काट रहा है उम्र कैद की सजा। हत्या से 5 दिन पहले दौलत हनीफ ने ही भेजी थी असद को उमेश पाल की तस्वीर, अतीक के हर गुनाह में मददगार होने का आरोप। हत्या से पहले अतीक की तरफ से इशारा किए जाने वाले शख्स के मिले सबूत, एसआईटी को सीसीटीवी में दिखा संदिग्ध। अतीक के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ और खून के धब्बों से आज उठ सकता है पर्दा, एफएसएल की रिपोर्ट आज आने की संभावना। अतीक अशरफ की हत्या करने वालों के पास 3 दिन पहले तक नहीं था मोबाइल और कैमरा, माइक और कैमरा, होटल मैनेजर के मुताबिक सिर्फ एक बैग लेकर आए थे शूटर्स। शूटरों के बाहर से उनको मदद मिलने का शक, प्रयागराज में बाहर से मुहैया कराया गया सामान, पुलिस को शक, मदद करने वाले शख्स का इस्तेमाल किया जा रहा था मोबाइल। अतीक के दफ्तर से खून मिलने को लेकर जांच जारी, ऑटो ड्राइवर और नशा करने वालों से पूछताछ, खाली फ्लैट देखकर खाना खाने जाते थे ऑटो ड्राइवर्स, नशेड़ियों ने भी घर को बना लिया था अड्डा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरने का 4वां दिन, आज सड़क पर किया कुश्ती का अभ्यास। ब्रजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर्स के यौन उत्पीड़न का आरोप, एफआईआर दर्ज करने पर अड़े हैं खिलाड़ी। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस, शुक्रवार को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा है नोटिस, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, जवाब मांगा गया है। खिलाड़ियों को अब खाप पंचायत का समर्थन, 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटी। आज तक से बातचीत में रेस्लर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाया, कहा दिल्ली पुलिस ने लीक की यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़िताओं की पहचान। दिल्ली पुलिस ने रेस्लर्स की 7 शिकायतें मिलने की बात कबूल की है, आरोपों पर जांच का हवाला दिया है। दिल्ली महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस को फटकार लगाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिकी सबकी निगाहें, पूरे प्रकरण में अभी तक खेल मंत्री ने बयान नहीं दिया।
कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह पर बेहद गंभीर आरोप, और दिल्ली में मौजूद रेसलर्स के आरोपों को उन्होंने बताया निराधार, कहा साजिश है। जनवरी में इन्हीं के आरोपों को लेकर हरियाणा के रेसलर्स ने खोला था मोर्चा, तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच कमेटी के गठन और कार्रवाई का भरोसा देकर मामला करवाया था शांत। बीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में दोषी आनंद मोहन की आज जेल से में वापसी, खत्म हो रही है पैरोल। सहरसा जेल में आनंद मोहन का आखिरी दिन, कल जेल से होगी पक्की रिहाई। बिहार की जेल नियमावली में बदलाव के बाद रिहाई, ड्यूटी पर तैनात जन सेवक की हत्या वाला उपबंध को हटाया, जिसमें जेल की सजा में माफी पर नहीं हो सकता था विचार। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई, बीजेपी की तरफ से आनंद मोहन का समर्थन, बाकी अपराधियों का विरोध। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, आनंद मोहन पर विरोध नहीं लेकिन सरकार ने उनके साथ 27 और लोगों को छोड़ा। सुशील मोदी ने कहा, कानून में बदलाव से बिहार में सरकारी सेवक डरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आनंद मोहन बेचारे काफी समय तक जेल में रहे। पक्की रिहाई के फैसले पर बोले आनंद मोहन, कहा कानूनी प्रक्रिया का हुआ पालन, विरोध करने वाले जा सकते हैं कोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर मंत्री लेखन सिंह का बयान, 27 लोग रिहा हुए जिसमें सभी धर्म जाति के लोग। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाया सवाल, नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। आनंद मोहन के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, कानूनी तरीके से रिहाई हुई, कहा सुशील मोदी खुद कह रहे थे छोड़ दीजिए। बीजेपी एमएलसी अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि नियमों के तहत इस तरह से लोगों को ऐसा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए लोगों के साथ। आनंद मोहन समेत 27 बंदियों की रिहाई पर महागठबंधन में बढ़ा विवाद, सीपीआई ने 6 टाडा बंदियों की रिहाई का उठाया मुद्दा। 28 अप्रैल को पटना में धरना देगी अब सीपीआई, नीतीश सरकार पर भेदभाव करने का आरोप। आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की। आज कर्नाटक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार, मांडिया में सीएम योगी करेंगे रैली और रोड शो। दोपहर 2:40 पर मुख्यमंत्री योगी विजयपुरा जिले में बसवेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 से 4 के बीच में सीएम योगी विजयपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। विजयपुरा जिले में सीएम योगी की रैली आज शाम 4:30 से 5:30 के बीच में सभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज कर्नाटक में रैलियां करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, बेलागावी जिले में राजनाथ सिंह की 3 रैलियां। कलबुर्गी में आज महासंपर्क अभियान से जुड़ेंगी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का बनेंगे हिस्सा। बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर अभिनेता सुदीप किचा ने ही संभाला प्रचार अभियान का मोर्चा, आज कर्नाटक के दावणगेरे में करेंगे रैली। कर्नाटक में बीजेपी के महाप्रचार अभियान के तहत 2 दिनों में करीब 150 दिग्गज बीजेपी नेता 224 सीटों पर करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मैसूर से पहुंचेंगे श्रृंगेरी, सुबह 11:30 के करीब प्रियंका गांधी यहां शारदा देवी मंदिर में करेंगी पूजन। श्रृंगेरी में प्रियंका करेंगी रैली और रोड शो, दोपहर 12:00 तक होगी प्रियंका की जनसभा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में हुआ निधन, मोहाली के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। चंडीगढ़ में अकाली दल के मुख्यालय पर लगाया गया प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर, दोपहर 12:00 तक लोग कर सकेंगे दर्शन। दोपहर 12:00 के बाद बादल के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार। सियासत में प्रकाश सिंह बादल के नाम है कई रिकॉर्ड, पंजाब में 5 रहे सीएम, सबसे कम उम्र के सरपंच और सीएम रहे, सबसे कम उम्र दराज विधानसभा उम्मीदवार भी रहे। पीएम मोदी ने बादल के निधन पर जताया दुख, कहा बादल के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति, केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक का किया ऐलान। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर रवाना।
आज पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ ही निकलेंगे मुख्य पुजारी भी। एक दिन पहले गरुड़ जी की मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। काशी खुलके केदारनाथ धाम के कपाट, पहले दिन हजारों लोगों ने दर्शन किए। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ा, बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दिनाजपुर के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में बरामद हुआ एक नाबालिग लड़की का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका जताई गई। सोमवार से लापता थी लड़की। 13 साल की मासूम का शव जमीन में दबा हुआ देखे जाने के बाद लोगों में आक्रोश, पुलिस के साथ हुई झड़प। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, मासूम के शरीर पर जख्म के कई निशान मिले। यूपी के बरेली में एक महिला तेजाब से झुलसी सड़क के किनारे पड़ी मिली, पुलिस ने अस्पताल में पहुंचाया, हालत गंभीर है। पुणे सोलापुर हाईवे पर चलते कंटेनर में अचानक लगी आग, कंटेनर में लदे हुए थे फ्रिज और वॉशिंग मशीन, लाखों का नुकसान। भरतपुर में सैनी समाज के आंदोलनकारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा ज्योतिबा फुले जिंदाबाद। पटना में 10 साल की बच्ची की ऑटो से टक्कर में हुई मौत, ऑटो ड्राइवर हुआ फरार। जज्जर में विवाहिता ने लगाई फांसी, पुलिस जांच की जरूरत। रोहतक में युवक ने दादी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, आरोपी की तलाश जारी। लखीमपुर खीरी में बाइक और बैलगाड़ी में भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत।